नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली में 30 अक्टूबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा गुरुवार के दिन पुलिस विभाग ने चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी प्रकार की कार्यवाही को सार्वजनिक करने और संबंधित लोगों तक पहुँचाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम डीडी ऐप दिया गया है। इसका लोकार्पण सिलवासा स्थित सचिवालय सभागार में कलेक्टर डॉक्टर राकेश मीनास, पुलिस अधीक्षक हरेश्वर स्वामी एवं अन्य अधिकारी द्वारा किया गया। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली, दमन, दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। दादरा नगर हवेली इलेक्शन रिलेटेड एनफोर्समेंट डेटा रिफ्लेक्ट करने वाला ऐप है। उसकी टेक्निकलिटीज प्रेजेंटेशन में सिद्धार्थ आपको बताएंगे, बस मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ कि वी आर गोइंग थ्रू इलेक्शन एंड वी आर एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसमें तरह तरह के एक्शन होते हैं, उसका डेटा सारे स्टेक होल्डर्स को राइट टाइम पता चले, जब अगर एक्शन आर बीइंग टेकन वो सारे स्टेक होल्डर्स के पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर्सन और जो फील्ड पे काम करने वाली टीम्स हैं और सीनियर ऑफिसर्स जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर ऑब्जर्वर्स, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा रिफ्लेक्ट हो और ट्रांसपेरेंसी पूरे कार्यवाही की मेंटेन हो, इस उद्देश्य से इस ऐप को डेवलप किया गया है। तो वो सब चीजें आप लोग को फिर एक रेडी मीडियम मिलेगा उसको देख। यही उसका जो लॉगिन है अभी तक लिमिटेड स्पेस पे ही लोग देने का प्लान है, ऑफिशियल स्टाफ के पास रहेगा और मीडिया वालों के पास रहेगा, तो आप उसको देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको बनाया गया है।